हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडिया, एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हुआ था और फिर उसके बाद आइडिया को के नाम पे स्टॉक आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसका मैंने यहाँ पे चार्ट लगा के रखा है। तो ये अभी 3.30 पे ट्रेड कर रहा है। तो आज की डेट है 9 अप्रैल और मैं इस वीडियो को शाम को बना रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप इसका हाई और लो चेक करें तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्टॉक पर्सनली फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक है और एक आपको मिनिमम अगर 5-6 साल होल्ड करते हैं तो आपको एक मल्टी बैगर के रूप में भी आप इसको देख पाएंगे। तो अगर हम इसका डेटा देखें तो ये लगभग एक दिन का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा के रखा है और भी हम प्रीवियस पे जाएंगे, फिर उसके बाद इसके फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको जानकारी मिले। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक दिन के चार्ट में तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा मार्च 2020 का। तो मार्च में 2020 में इसने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था और फिर उसके बाद तो आप अगर इसमें देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पे क्रैश हुआ था कोविड-19 के कारण और यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे फ्लैट हो गया था। और फ्लैट में एक फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस जो ये 3 रुपये का जो लेवल था इसने इसको क्रॉस नहीं किया है और ये वहीं से एक रिवर्टल का ट्रेंड इसमें आ गया है और इसको आप एक मल्टी बैगर के रूप में कुछ अमाउंट 1,000 शेयर्स या फिर 2,000 शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और भविष्य में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अगर हम इसके थोड़े और प्रीवियस में जाके देखें लगभग 5 दिन का तो सॉरी फ्रेंड्स 5 ईयर्स का। सो यहाँ पे अगर हम 5 साल का देखें डेटा तो इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट थे जो कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं इसका लगभग था ये, अगर इस लेवल की मैं बात करूँ तो लगभग ये जो 150 के अबव था ये, और 150 के अबव अगर ये ऑलमोस्ट अगर आप 5 साल का इसका डेटा देख रहे हैं तो अगर 5 साल बाद आप इसको अगर बेचते हैं तो ये 3 रुपये की वैल्यू मिनिमम फ्रेंड्स 50 रुपीज़ तो जानी है गिरे गिराए हालत में अगर ये यहाँ से हल्का सा ऐसे चढ़ता है। तो 50 रुपये तो मिनिमम जा सकती है और अगर 50 रुपये चली जाती है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर पाएंगे इससे। तो एक पर्सनली फ्रेंड्स मैं बताया जैसे कि ये मल्टी बैगर का शेयर है, आप कुछ दिनों तक होल्ड कर सकते हैं क्योंकि अभी अगर मार्केट में देखें तो जियो और BSNL और अभी तो जो टक्कर की कंपनी है वो सिर्फ जियो ही है और अगर यहाँ पे देखें तो वोडाफोन और आइडिया जो थी तो वो भी एक टक्कर की कंपनी थी। बट यहाँ पे जब मर्जर कर दिया गया है वोडाफोन आइडिया का तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अच्छा मोमेंटम अब आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और इसके आइए कुछ फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे इनके वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के हम इस पे फंडामेंटल्स पे आ गए हैं और यहाँ से फंडामेंटल्स की जानकारी हमको मिलेगी। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो सेक्टर बिलोंग करता है टेलीकॉम से, यानी कि जितनी कम्युनिकेशन वाली जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर। सो यहाँ पे अगर देखें मार्केट कैपिटल 9,425 करोड़ की है और इसका अगर और चेक करें तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 0.55 है। तो एक तरीके से आपको एक सस्ते में स्टॉक मिल रहा है और यहाँ से अगर एक अगली पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है
72% का जो है प्रमोटर का होल्डिंग है, तो एक बहुत पॉजिटिव खबर है ये फ्रेंड्स आरडीए के बारे में। और अगर पब्लिक के पास सिर्फ 27.95% का ही शेयर होल्डिंग है। अगर आप यहाँ पे फ्रेंड देख रहे हैं बल्क में जो इनकी क्वांटिटी उठाई गई है वो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे वेडनेसडे 18 मार्च 2020 को यहाँ पे फाइनेंस ये अद्रोदित फाइनेंस सर्विसेज ने प्राइवेट लिमिटेड ने इन्होंने लगभग इतने शेयर्स लिए थे एट द रेट लगभग 3.55 ऐसे के हिसाब से। तो एक ह्यूज क्वांटिटी इन्होंने बाई की है और डेफिनेटली ये अच्छा परफॉर्म करने वाला है आने वाले कुछ समय में। और अगर यहाँ आप देखें तो 2020 में ही कई केसेस हैं जिन्होंने इनमें बाई की पोजिशन बना के रखी हुई है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक माइंड में रखते हुए करिए कि हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है इसमें। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो फिर लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।